Mine is the power of hellfire. तो वेलकम टू द हेलफायर गेमिंग भाई लोग, और एक और मैच भाई आज तुम्हारा भाई लेके आ गया डीम ऑफ वर्गन का। ठीक है, वैसे ये काफ़ी पुराना मैच है, काफ़ी नहीं थोड़ा पुराना का, लास्ट अपडेट से, इस अपडेट से पहले का। रैंक 6 है मेरी जो कि देख रहे हो। ठीक है, और इसको अपलोड मैंने यूँ नहीं किया क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था मैच। अब आप मैच देखोगे ना तो आप भी हैरान हो जाओगे। ज़रा देखना टैक्टिक वगैरह अपने भाई की, ठीक है, और एन्जॉय करना मैच को। बाकी पसंद आया तो भाई लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, डीमो करन का तो पगला हो गया था इस मैच के अंदर। तो भाई आ गए हम कोल्ड वाइंड फार्म, ठीक है, और अभी तुम्हारा भाई दिखाएगा तमाशा भाई तगड़े वाला। वैसे इस मैच में एक चीज़ बहुत खास थी भाई, जो बंदे थे उनका टीम कोऑर्डिनेशन कुछ ज़्यादा ही था। लाइक होना चाहिए कोऑर्डिनेशन, अच्छी बात है, पर इतना नहीं जितना इनका था। दिखाता हूँ मैं तुम्हें ऐसा क्यों, इन लोगों ने क्या मिस्टेक की भाई मैच में। तो सबसे पहला बंदा तो भाई मुझे डेविड दिखाता, अच्छा प्लेयर है, पर मैं अपना एक्सपीरियंस जो है मेरा गेम प्ले का मैं वो शेयर करूँगा। ठीक है, तो अभी देख भी रहे हो भाई आप कि मेरे पे येलो पर्स हैं अभी, ना तो ग्रीन में ना पर्पल हुए, और फिर चौथा स्लॉट जो है पर्क का वो भी मेरा अनलॉक नहीं हुआ है। तो अभी तो नॉर्मली चल रहा है, बट इनका कोऑर्डिनेशन कुछ ज़्यादा ही बैठा था, वो मैं दिखा दूँ किस तरह से बैठा था, कहाँ इन लोगों ने मिस्टेक की थी। ठीक है, तो अभी जैसे मैं चल रहा था नॉर्मली, इसकी इसको हेल्प करने के लिए मेग थॉमस आ गई थी आगे आगे, और इसको मुझे डिस्टर्ब करना नहीं था क्योंकि मेरा मेन टारगेट था डेविड। ठीक है, अगर ये बिल्कुल सामने आती देन मैं इसको मारता, पर ये सामने नहीं आई थी, ये मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। तो मेरा फोकस डेविड पर था बिकॉज वो इंजर्ड था और मैं उसी के पीछे लगा हुआ था टोटली। और इधर जो जैनी था लेफ्ट साइड में, मुझे पता वहाँ पर बंदे जो है वो काम कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे थे, पर उन सब को छोड़ के मेरे को इसको यूज़ करना था। इसने बंदे ने डेड हार्ट भी यूज़ कर लिया अपना, और अभी अपना काम आएगा लंग अटैक, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, लंग अटैक इज ऑलवेज ओपी। तो अभी मेरा फोकस है उस जैनी पे जाने का, क्योंकि यही वो जैनी था जहाँ मैंने देखा था रिपेयर करते हुए, और ये निया यहाँ पर है। अटैक थोड़ा सा मिस हो गया, पर कोई नहीं, अगला टारगेट मेरी ये थी, ये सारे ही आस पास ही घूम रहे थे। तो एक सिंगल अटैक दिया और मेग थॉमस का साइन मुझे यहाँ दिख गया था, और ये रही वो मेग थॉमस। देखो, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट मेग थॉमस थी, क्योंकि ये डेविड के आसपास ही ये लोग घूम रहे थे, ये कहीं नहीं गए। ये लाइक वो होता है ना, जैसे मैं बता रहा था, ज़रूरत से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बिठाना, तो वो चीज़ होती है यहाँ पे। इसने शॉट खाया पर ये उसे उठाने में लगी रही, एक सेकेंड शॉट में ये भी डाउन। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट था डेविड, और मैं गया डेविड के पीछे, और ये बूम डेविड भी डाउन। तो दो बंदे डाउन हो चुके हैं, और निया कार्लसन जो है वो इंजर्ड है, और एक बंदा वो प्रॉपर सेफ है अभी, और जो कि ये भी आ गया। ये देखो, यही है ज़रूर से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बिठाने का नतीजा। अब मैं फटाफट मेग थॉमस को ड्रॉप करके पहले इसको इंजर्ड करूँगा, क्योंकि इसकी फुल हेल्थ है। ठीक है, और ये इन्हें छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं है, और ये कहाँ हाइड हुई है ज़रा देखो बचने के लिए भाई, वहाँ घुस है जहाँ वो दोनों ऑलरेडी हैं, और मेरी नज़र भी है इस पर। तो ये तीन डाउन हो चुके, और यहाँ पे मुझे डाउट था कि तीन बंदे डाउन हैं, निया कार्लसन इनमें से एक को उठाने ज़रूर आएगी। ठीक है, तो मैंने इस मेग थॉमस को फटाफट ड्रॉप किया, और मुझे पता था वो किस डायरेक्शन में गई है, सो मैं उसी डायरेक्शन में वापस गया, और ये यही मिल गई जैसा लाइक मेरी कैलकुलेशन थी, एकदम फिट बैठ गई, इंजर्ड हो गई है। अब बारी है मेग थॉमस की, और इनको मैंने किसी को भी अभी तक आपने देखा हो एक बार भी हैंग नहीं किया, कोई बंदा सिंगल हैंग नहीं हुआ, फिर भी तीन बंदे डाउन हैं और चौथा हिट लिस्ट पर चल रहा है, ये सारे हो चुके डाउन। ठीक है, तो ये चीज़ होती है भाई ज़रूरत से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बिठाने की। खेलो कोऑर्डिनेशन बिठाओ, अच्छा है, दो बंदे रश करो, दो जैन रश करो तो मच बेटर है, पर अगर पहले से ही बचाने के लिए घूमते रहोगे तो ये सीन हो जाते हैं डेड बैटल में मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो यही था इसका मैच भाई, टोटली एकदम 3 मिनट लगे होंगे मुझे मुश्किल से गाइस इनको चारों को डाउन करने में। ठीक है, और एक बंदा भी वन टाइम भी हैंग नहीं हुआ। अब ये सबको सिर्फ मैं एक एक बार हैंग करूँगा, ये दोबारा निकल भी नहीं पाएंगे, इनका फर्स्ट हैंग मतलब लास्ट हैंग, ऐसा कुछ हो गया इनके साथ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना जब भी डीवीडी खेलो, तो भाई एक या दो बंदे हमेशा जैन रश पे होना ही चाहिए। अगर तो बंदा कोई जैन रश पे नहीं है, सारे आसपास ही मंडरा रहे हो, और विदाउट एनी इक्विपमेंट, इनके पास कुछ, इनके पास टॉर्च वगैरह भी नहीं थी जो यूज़ कर पाते, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं बनता इससे। भैया जैन रश करके अपना एस्केप कर जाओ, वो मच बेटर है, अगर तुम्हारे पास सेफ करने के लिए कुछ नहीं है तो। ठीक है, और जब आपको लगे कि सेफ हुक है, अनुक कर सकते हो सेफली, तो फिर कर दो जाके।
अब तुम लोग देख रहे हो भाई, कूली वाला काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उठा रहा हूँ, टांग रहा हूँ, उठा रहा हूँ, टांग रहा हूँ। दो बंदे टांग चुका हूँ, एक तो मरी गया, एक लास्ट और बचा, ये निया ये भी गई, तो भाई चारों वन टाइम ही डेड हो गए। अच्छा भाई, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना दोस्तों को, चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, एंड आपसे मिलता हूँ अगली लाइव या फिर जो है वीडियो के थ्रू, तब तक के लिए तो बाय बाय, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस, बाय।